हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स फॉर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ day 9 30 day 30 मनी सेविंग चैलेंज। और गाइज, यहाँ पर मैं अमाउंट सबसे छोटा रखने वाली हूँ, यानी कि 10 रुपीज। सो आप लोग भी मनी सेविंग चैलेंज दे करके अपने ढेर सारे पैसे सेव कर सकते हैं, अपना कोई सा भी ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। गाइज, मैंने स्टार्ट किया हुआ है 30 day 30 डिफरेंट मनी सेविंग चैलेंज, मतलब 30 दिनों के लिए 30 अलग अलग तरीके से पैसे कैसे बचाएं। सो इसके ऊपर मैं चैलेंज स्टार्ट की हूँ। सो अगर आप लोग भी थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं या फिर चैलेंज आपको करना पसंद है, तो आप भी इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। हे गाइज, यहाँ पर हम जो अमाउंट लेने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड अमाउंट है। काफ़ी सारी फ्रेंडों का या फिर आप बोल सकते हैं मेरी सब्सक्राइबर का, फैमिली मेम्बर का मुझे मैसेज आता है कि दी जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा आप छोटा कीजिए, मतलब कि अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आप सबसे कम अमाउंट में चैलेंजिंग कैसे एक्सेप्ट करें या फिर मनी सेविंग चैलेंज कैसे पूरा करें, इसको आप बताइए। सो यहाँ पर मैं 10 रुपये वाला चैलेंज लेकर के आई हूँ। मैं इसे 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। इस चैलेंज को आपको करना क्या है, जैसे कि मंथ स्टार्ट होता है, आप उतना ही सोच लीजिए कि मुझे 4 से 5 दिन नो एक्सपेंस डे बनाना है। जैसे कि मेरा क्या है, पहले हमने डेयरी वगैरह से मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया था, फिर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई या फिर हम कहीं चले गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, तो इसलिए अब हमने जो थैली वाला दूध होता है, यानी कि मदर डेयरी, अमूल वगैरह, इसको लेना स्टार्ट कर दिया। डेली के हमारे खर्चे होते हैं 70 रुपीज़, 75 रुपीज़। तो ये मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 100 भी हो जाता है, 150 भी हो जाता है, किसी दिन क्या मंगा लिया, किसी दिन क्या मंगा लिया। सो मेरा डेली का ये खर्च होता है, तो इसलिए मैं जहाँ पर अपना एक्सपेंस लिखती हूँ महीने भर का, कि आज मैंने ये खर्च किया, आज मैंने ये खर्च किया, सो उसमें मैं पहले से ही लिख लेती हूँ कि इस महीने में, जनवरी मंथ में, मुझे 6 नो एक्सपेंस डे करने हैं। मतलब उस दिन मैं 1 रुपये नहीं खर्च करूँगी। जैसे कि अगर कल मेरा है तो मैं आज ही ले लूँगी कल का भी, और कोशिश करूँगी कल मैं खर्च ना करूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड भी फ्री रहता है, और जो बड़े बड़े खर्चे आने वाले रहते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जिसको हम टाल सकते हैं, वो भी हमारे टल जाते हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है। सो गाइस, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बजट बाइंडर का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 वाले इनवलप में कुछ इस तरीके से पैसे स्टोर करती हूँ। देख सकते हो आप, 10 रुपीज का है ये इनवलप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, उसके बाद 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, 200 रुपीज और मंडे मनी सेविंग चैलेंज। सो इतना चैलेंज तो जो मुझे करना ही करना है मंथ के एंड में। उसके साथ मैं एक चैलेंज लेती हूँ 26,000 रुपये का, जो 1 साल में पूरा होता है, एक फ्राइडे सेविंग चैलेंज है, बाकी 2-3 और एक्स्ट्रा चैलेंजेज हैं। सो गाइज, मेरा चैलेंज बताने का यही मतलब है कि आप लोग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अब की बार की वीडियो में मैं कुछ इस तरीके से नोट डाउन करके रखी हूँ, तो इसे हम डे बाय डे शुरू करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होने वाला हो, हम आगे भी इसमें ऐड करते जाएंगे, यानी कि ड्रॉ करते जाएंगे। उसके साथ गाइज, आपको पूरे मंथ में अपना मेन फोकस रखना है अपने चैलेंजेज के ऊपर, कि मैंने इतने सारे चैलेंज रखे हैं, मुझे इतना पैसा बचाना है। देखो कि इसमें कोई भी नंबर नहीं, मतलब अनलिमिटेड नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो मैं क्या करती हूँ, 50 से लेकर के 100 रुपीज में 10 वाले चैलेंज में डालती ही डालती हूँ पर मंथ, ठीक है। अगर मैंने इसमें 50 रुपीज डाला तो 100 रुपीज में डालूंगी 20 वाले में, 50 रुपीज डालूंगी 50 वाले में, और 100 रुपीज डालूंगी 100 वाले में, 200 रुपीज 200 वाले में। बाकी एक मंडे इक्वल टू मैंने पहले 250 रख रखा था, लेकिन अब की बार मंथ में मैं उसको 50 रुपीज कर रही हूँ 2024 से, जनवरी मंथ से। तो इससे क्या रहेगा, बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, और साथ में मैंने जो चैलेंजेस लिए हैं अपने आप को, उसको भी मैं पूरा करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे भी जो एक्सपेंसेस होते रहते मेरे, जैसे कि मैंने ग्रॉसरी लाया, माना कि मैंने 3,000 रुपये की लिस्टिंग कर ली है, मेरे ग्रॉसरी लिस्ट में इतना जो प्रोडक्ट है, जितना आइटम है, ये 3,000 रुपये का आएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर लेने गई, कोई ऑफर में देख लिया, या फिर किसी के साथ कुछ फ्री मिल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, सो उसमें मान लीजिए आप एज ए एग्जाम्पल, मेरे 2,200 रुपये खर्च हुए, मेरे 8 रुपये वहाँ बच गए। वेजिटेबल्स का 2,000 रुपये, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट का, तो उसमें से मेरे 200-300 रुपये बच गए। उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे कि फ़ी वगैरह हो गई, वो 3 मंथ में जाती है, LPG हो गया, या फिर अदर जो एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक खर्चे ही होते रहते हैं। सो उनमें से कटौती कर करके मंथ के एंड में मेरे पास 2,000 से 3,000 रुपीज़ बच जाते हैं। मतलब मैं उनको एक वॉलेट में रखती जाती हूँ, जो वहाँ से वापस आता है,
मैं उसको खर्च नहीं करती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ कि बचा ही रहे। सो जैसे ही महीना खत्म होता है यानी कि 31 या फिर 1 तारीख 2 तारीख न्यू मंथ का स्टार्ट होता है, मैं पिछले वाले महीने का जितना बचा रहता है पैसा, जो भी अमाउंट मेरा बचा रहता है 2,000 2,500 या फिर 1,000 रुपये, उसको मैं अपने चैलेंजेस में डाल देती हूँ। जो बड़ा चैलेंज होता है उसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट लगता है, जो छोटे चैलेंज होते हैं मतलब कि छोटे अमाउंट वाले से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, इनमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डाल सकते हैं 50 50 100 100। लेकिन जो थोड़े बड़े वाले चैलेंजेस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ जिस महीने में थोड़ा कम खर्च है उसको मैं जल्दी पूरा कर लूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा बचत होगी तो मैं बड़े वाले चैलेंजेस को जल्दी पूरा कर लूँ। सो हे गाइस, 2023 में मैंने चैलेंज लिया था अपने आप को 1 ईयर 1 लाख रुपए सेविंग चैलेंज। सो वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं 2024 में भी अपने आप को दी हूँ 1 ईयर 1 लाख रुपीज मनी सेविंग चैलेंज, जिसमें मैं किसी ना किसी तरीके से सेविंग करके ही 1 लाख रुपए बचाऊंगी। मेरे सैलरी का कोई भी वो नहीं होगा, अदर कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा। प्लीज आप लोग हिस्सा जरूर बनिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो कैसे नोट डाउन करना है, कैसे ऐड करना है, मैं कैसे ऐड करती हूँ, साथ ही आपको कितना सारा बेनिफिट होने वाला है। सो ही गाइज, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है 10 रुपये सेविंग चैलेंज, और 1 साल में 1 लाख रुपये मैं बचाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का जो मेरा अमाउंट है वो 50 20 70 80 90 एंड 100 रुपीज़ मैं आज के इस वीडियो में बचाने वाली हूँ। और बचाए गए पैसों को मैं कुछ इस तरीके से जो मेरा बाइंडर है इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 10 रुपीज़ वाले चैलेंजेज में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने इन बचाए गए पैसों को। तो चलिए देखते हैं नंबर मैंने कैसे इसमें नोट डाउन किया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर, मतलब कि इसकी लिमिट तो है लेकिन आप और आगे पेज तक बढ़ा सकते हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो मैं 100 रुपीज़ बचाने वाली हूँ, तो फर्स्ट तो मैं ये वाला लूँगी यानी कि 10 मुझे बॉक्स लेने हैं। इसमें गाइज आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि आप एक्स्ट्रा पैसे बचाएं, मतलब 10 हैं तो आप 20 डालें, क्योंकि इनमें आपका सबसे छोटा अमाउंट है तब आप इसमें अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि ये जो 10 हैं वो इन्वलप के अंदर जा चुके हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रुपीज़ मेरे इन्वलप के अंदर ये जा चुके हैं, ये चले जाएंगे। मैं इसको डाल दूंगी इस वाले बाइंडर में। सो नोट डाउन यहाँ पर करना है कि जैन मंथ में मैंने कितना बचाए हैं, 100। ठीक है, अगर आपके पास और हैं तो आप प्लस करके यहाँ पर 10 10 करते जाते हैं, लेकिन मैं जैन मंथ में यहाँ पर 100 रुपीज़ सेव की हूँ। सो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देने वाली हूँ 100 रुपीज़। सो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, कलर का भी यूज कर सकते हैं, और सारे जो नंबर हैं इनको आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने बचाए गए पैसों को RD और FD में ज़रूर कन्वर्ट करें, ज़रूर डालें। सो कुछ इस तरीके से आप इन सारे पैसों को डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ एक बार रख करके। सो गाइज, कुछ इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि इधर है ये 100 रुपीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है, और बचाए गए पैसों को आप इस तरीके से बाइंडर में रख सकते हैं। अगर आपके पास बाइंडर नहीं है तो कोई भी आप पुराना वॉलेट ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो आजकल वॉलेट कम बाइंडर चलता है, या फिर बजट वाले बाइंडर चलता है, बजट वॉलेट चलता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगरी है। सो आप इसको भी पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पर भी फालतू पैसे वेस्ट ना करें। अगर आपको सेविंग करनी है तो आप कहीं पर भी बचाए गए पैसों को रख सकते हैं। सो ये गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप इसमें अनलिमिटेड नंबर जोड़ सकते हैं, कहीं से लेकर के कहीं तक ऐड कर सकते हैं जितना आपका दिल करे। और मैं तो अपना फिक्स करके रखती हूँ कि 50 से 100 रुपए ही मंथ में इसमें जाएंगे, 5 नंबर ही मैं फिल करूँगी, उसके बाद डायरेक्टली मैं अपने इस वाले बजट बाइंडर में पैसे ऐड कर देती हूँ। और जब मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो जो मेरा चैलेंजेज रहता है उनमें मैं पैसे इसको ऐड करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 साल में 1 लाख रुपए बचाना है, तो उसी में ये भी रहेगा, साथ ही उन पैसों की FD करा दूंगी, या फिर अगर मुझे गोल्ड वगैरह लेना है मैं थोड़े पैसों का गोल्ड ले लूंगी। सो जैसे कि मैं पिछले जो अपना 2023 में जितनी सेविंग की थी उसमें से मैंने अपने लिए 22,000 रुपए का गोल्ड लिया, 8,000 रुपए मेरे एक्स्ट्रा खर्च हुए, बाकी मैंने उसमें से 70,000 रुपीज सेव कर लिए। सो आप लोग भी सेविंग करें और बचाए गए पैसों को इन्वेस्ट जरूर करें, एक FD उसकी जरूर करवाएं, जिससे कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले। आप SIP वगैरह में भी इन्वेस्ट कर
कर सकते हैं, लेकिन गाइज मैं SIP में नहीं इन्वेस्ट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ RD और FD में डालने की। सो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, आपका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हुआ हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जो लोग पैसों का रोनर होते रहते हैं, या फिर जो लोग कहते हैं यार मुझे अब चाहिए, या फिर मैं बचत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बचत कैसे करनी चाहिए, जो आपसे नॉलेज ले लेते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सो ही गाइज, अगर आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है तो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुंचती रहे। और गाइज अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग अदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय।